हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 9 जिसका नाम है नट फाइंड्स अ होम। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नट बेसिकली यहाँ पर एक लड़का है जो कि अनाथ रहता है, उसके पास कोई भी घर नहीं रहता है रहने के लिए। तो लास्ट में क्या होता है, उसको एक ऐसा जगह मिल जाता है, एक ऐसा घर मिल जाता है कि उसको अपने खुद रियल घर की तरह उसको वहाँ पर फीलिंग आती है, उसको अच्छा लगता है, उसको फ्री में फूड और एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाती है। तो देखते हैं, ये जो स्टोरी है स्टार्ट होती है जब जो नट था वो 12 साल का था। वो बेसिकली स्ट्रीट म्यूजिशियन था शुरू शुरू में। तभी क्या होता है, उसके जो फादर होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, इसलिए जो नट होता है काफ़ी बीमार पड़ जाता है और उसके पास कोई भी फ्रेंड नहीं होते हैं। तब वो क्या करता है, वो मजबूरन एक सेलार में रहता है। सेलार का मतलब होता है तहखाना में रहता है, और वो अपने पापा को याद करके काफ़ी शोक जता रहा होता है। और उसके पास एक वायलिन भी थी, वो वायलिन भी खो गई थी, इसलिए वो काफ़ी अकेला पड़ गया था। लेकिन तभी क्या होता है, उससे मुलाकात एक मिस्टर ल्यूरेंस से होती है, और मिस्टर ल्यूरेंस क्या करते हैं, एक लेटर देते हैं, और वहाँ पर मींस कि एक जगह रहता है प्लम फील्ड, जो नट होता है उसको प्लम फील्ड नामक एक जगह रहता है वहाँ पर भेजते हैं। एक्चुअली में वो प्लम फील्ड एक जगह ऐसा जगह होता है, एक तरह का स्कूल होता है जो कि जो मिस्टर ल्यूरेंस थे उनकी वाइफ चलाती थी उन स्कूल को, ठीक है, और उनके हस्बैंड दोनों लोग मिलकर चलाते थे। देखिए, हम लोग आगे जानते हैं कि एक्चुअली में जो नट है वह वहाँ पर जाता है, मीन्स वो स्कूल में जाता है, तो वो किस तरह के ट्रीटमेंट उसको मिलती है या क्या चीज़ें उसको वहाँ पर मिलता है। तभी क्या होता है, वो लेटर लेके जो नट होता है वो बस पकड़ता है और वहाँ पर प्लम फील्ड नाम जगह पर पहुँच जाता है। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँच जाता है तो वहाँ पर एक बड़ा सा घर देखता है, और उस घर के सामने एक गेट पर, ठीक है, एक बड़ा सा गेट था, और उस गेट पर एक गेट कीपर था। जैसे ही वो बस से उतरता है, नट उस गेट कीपर से पूछता है कि मेरे पास एक लेटर है और मिस्टर ल्यूरेंस ने मुझे भेजा है, और मुझे इस लेटर को एक लेडी को देना है। तो ये क्या करते हैं, ये कहते हैं ठीक है, आप क्या करो, आप अंदर जाओ और इसको आप दे दो उन लेडी को, वो आपको देख लेंगी। इसके बाद से क्या होता है, इतना प्यार से वो गेट कीपर बोलता है उस बच्चे से, नट से, जो बच्चा होता है वो काफ़ी खुश महसूस कर रहा होता है अपने आप में, ठीक है। और जब वो अंदर जाता है तो सुबह सुबह का समय होता है और धीमे धीमे बारिश हो रही होती है, यानी वहाँ पर ढेर सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे, घास था, और वहाँ पर एक बड़ा सा घर, लार्ज स्क्वायर हाउस था, और वो जो घर था उस बच्चे को काफ़ी हॉस्पिटेबल लग रहा था। हॉस्पिटेबल का मतलब है कि काफ़ी खातिरदारी जैसा, ठीक है। लेकिन वो जो घर था काफ़ी ओल्ड फैशन पोर्च था वहाँ पे, ठीक है। पोर्च का मतलब होता है अ शेल्टर्ड एरिया इन फ्रंट ऑफ ए बिल्डिंग, एक तरह का शेल्टर एरिया था उस बिल्डिंग के सामने, ठीक है। इसके बाद से जैसे ही वो आगे जाता है तो वहाँ पर देखता है काफ़ी वाइड विंडो लगा हुआ है, ढेर सारे शाइनिंग विंडोज़ हैं वहाँ पे, कर्टेंस भी हैं, और वहाँ पर ढेर सारे बच्चे शोर मचा रहे हैं, मीन्स कि ढेर सारे बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं। और इसके बाद से वहाँ पर जैसे ही आगे बढ़ता है तो वहाँ पर एक बेल भी दिखता है, बेल मीन्स कि जो घंटी लगती है ना स्कूल में, उस तरह की एक बेल भी लग रही थी वहाँ पर, बज रही थी। और जो नट था वहाँ पर ढेर सारे चीज़ों को देख रहा था, वॉल्स को देख रहा था, ठीक है, और वहाँ पर ढेर सारे बच्चों की आवाज़ें सुन रहा था। ये काफ़ी अच्छा लग रहा था उसको माहौल वहाँ का देखकर, ठीक है, और वो काफ़ी कंफर्ट महसूस कर रहा था। और वो जो जगह था बेसिकली होमलेस के लिए था, होमलेस का मतलब कि जिनके पास घर नहीं रहते हैं उनके लिए बेसिकली वो घर या स्कूल बनाया जाता है। इसके बाद से क्या होता है, वो सोचता है अपने मन में नट की शायद जो लेडी हैं वो मुझसे मिलेंगी और मैं उनसे अपने बातें कहूँगा या जो लेटर है मैं उनको दे दूँगा। इसके बाद से क्या होता है, वो थोड़ी सी आगे बढ़ता है और वहाँ पर जाता है एक दरवाजे के पास, और वहाँ पर एक दरवाज़ा होता है उसको नॉक करता है, ठीक है। जैसे ही दरवाजे को नॉक करता है तो वहाँ पे एक सर्वेंट मेड होती हैं, वो उस दरवाजे को खोलती हैं। जैसे ही उस दरवाजे को खोलती हैं तो वो क्या करता है, वो जो लेटर होता है उन लेडी को दे देता है, साइलेंटली ऑफर्ड कर देता है। इसके बाद से वो हमेशा क्या करती थी, जो सर्वेंट थी वो दूसरों की लेटर्स रिसीव करती थी और जान जाती थी कि ये जो बच्चा है वो स्ट्रेंज है, मतलब कि ये न्यू बच्चा आया हुआ है, ठीक है, न्यू चिल्ड्रेन है अभी। तो इसके बाद से वो क्या करती हैं, पॉइंट करती मीन्स अपने उंगली से दिखाती हैं बच्चे को, नट को, और कहती हैं आप जाओ वहाँ पर हॉल में बैठ जाओ। इसके बाद से क्या होता है कि वो
जो नट होता है वो जाता है और उस सोफ़ा पर हॉल में बैठ जाता है। इसके बाद से क्या होता है कि अब यहाँ पर होता है नट फाउंड प्लेंटी टू अम्यूज हिम व्हाइल ही अवेटेड बाय द डोर, मतलब कि जो नट था वो काफ़ी खुश था वहाँ पर बैठ कर, क्योंकि वहाँ पर वो ढेर सारी चीज़ें बैठ कर देख पा रहा था। अब उसके उसके पास क्या थी, क्यूरियसिटी थी, बहुत ही क्यूरियस था कि जो जितने भी बच्चे थे उसमें वो काफ़ी खुश दिख रहे थे, ठीक है, और वो काफ़ी अच्छा लग रहा था उसको, क्योंकि उसमें ढेर सारे बॉयज़ भी थे और ढेर सारे लोग थे, ठीक है। इसके बाद से क्या हुआ कि द बॉयज़ वर एवरीवेयर अप स्टैंड डाउन स्टेयर्स इन द लेडीज़ चैम्बर्स अपरेंटली, और वहाँ पे क्या थे ढेर सारे बच्चे थे, जैसे कोई बच्चा था सीढ़ियों पे खेल रहा था, सीढ़ियों के ऊपर खेल रहा था, कोई बच्चा सीढ़ियों के नीचे खेल रहा था, ठीक है। फॉर वेरियस ओपन डोर्स शोड प्लेजेंट ग्रुप ऑफ ए बिग बॉयज़, और वहाँ पे एक जगह था जहाँ पर ग्रुप ऑफ बॉयज़ स्टैंड होकर खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे भी थे, मिडल साइज के भी बच्चे थे। ऑल स्टेजेस ऑफ इवनिंग रिलैक्सेशन, मतलब उसको वहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा था जो नट होता है। द टू लार्ज रूम्स ऑन द राइट वेयर एविडेंटली क्लास रूम्स, और वहाँ पर दो बड़े बड़े क्या थे, क्लास रूम्स थे। क्लास रूम्स क्या होते हैं, जहाँ पर हम लोग बैठ कर पढ़ते हैं, ठीक है। फॉर डेस्क मैप ब्लैक बोर्ड्स एंड बुक्स वर स्कैटर्ड अबाउट, और उस क्लास रूम में ढेर सारे बोर्ड्स थे, हम बोल सकते हैं ब्लैक बोर्ड्स थे, मैप था, बुक्स था, जो चारों तरफ फैले हुए थे। एंड ओपन फायर बर्न ऑन द हर्थ, हर्थ का मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पर आग जला जाता है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ठंड होती है जहाँ पर नट था, तो वहाँ पर हमेशा आग जलाया जाता है। एंड सेवरल लैड्स रिलैक्स्ड ऑन देयर बैक्स बिफोर इट डिस्कसिंग अ न्यू क्रिकेट ग्राउंड्स, और कुछ लोग थे जो नए क्रिकेट ग्राउंड के बारे में बातें कर रहे थे। तो ये जो नट होता है उस हॉल में बैठे बैठे सारे चीज़ों को सुन रहा होता है और सारे लोगों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। अ टॉल यूथ वाज प्रैक्टिसिंग द फ्लूट इन द कॉर्नर, तभी क्या होता है वो एक बच्चे को देखता है, वो फ्लूट मतलब बांसुरी बजाना सीख रहा था। क्वाइट अनडिस्टर्ब बाय द रैकेट ऑल अबाउट इट, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब था, जो कि जो बच्चे थे इधर उधर भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, हल्ला मचा रहे थे, तो वो फ्लूट जो था, बांसुरी जो था, उसको बजाने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी। टू और थ्री अदर्स वर जंपिंग ओवर द डेस्क, दो से तीन बच्चे जो थे वो डेस्क के ऊपर चढ़ के कूद रहे थे। एंड नाउ एंड देन गेट देयर ब्रेथ एंड लॉफ एट द स्केचेस ऑफ द लिटिल लैड हु वाज कैरिकेचरिंग द होल हाउस होल्ड ऑन द ब्लैक बोर्ड, और कुछ जो बच्चे थे ब्लैक बोर्ड पर क्या कर रहे थे, कुछ बना रहे थे, कुछ ड्राइंग कर रहे थे। इन द रूम ऑन द लेफ्ट एंड लॉन्ग सुपर टेबल वॉज सीन, तभी क्या होता है वो जो नट होता है वो बड़ी सी, हम बोल सकते हैं सुपर टेबल, सपर टेबल देखता है। सपर टेबल का मतलब होता है कि डिनर करने का एक टेबल, और उस टेबल पर ढेर सारे डिफरेंट तरह के वैरायटी के, डिफरेंट वैरायटी के फूड मौजूद होते हैं, जैसे मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, ठीक है, ये सारे सारे, जिंजर ब्रेड भी हो गया, वो सारे के सारे खाने के लिए वहाँ पर मौजूद थे। अ फ्लेवर ऑफ टोस्ट वॉज इन द एयर, ऑल्सो द अरोमा बेक्ड एप्पल्स वेरी टेंटलाइजिंग टू वन हंग्री लिटिल नोज एंड स्टमक, मीन्स कि जो नट था वो काफ़ी दिनों से अच्छा भोजन नहीं किया था, फूड नहीं खाया था, इसीलिए उसकी जो भोजन की जो खुशबू थी वो महसूस कर पा रहा था। द हॉल हाउ ईवर प्रेजेंटेड द मोस्ट इन्वाइटिंग प्रोस्पेक्ट ऑफ ऑल फॉर ए ब्रिस्क गेम ऑफ टैग वॉज गोइंग इन द अपर एंट्री, ऑन लैंडिंग वॉज डिवोटेड टू द मार्बल्स ऑन द अदर टू चेकर्स while the stairs were occupied by the boys reading a girl singing a lullaby to her doll, means कि वहाँ पे इतने सारे लोगों को देखता है कि कुछ गर्ल्स होती हैं वो रीडिंग करती हैं, कुछ गर्ल्स होती हैं वो सिंगिंग करती हैं, ठीक है। टू पपीज एंड किटन एंड कॉन्स्टेंट सक्सेशन ऑफ स्मॉल बॉयज स्लाइडिंग डाउन द बैनिस्टर्स, कुछ जो बच्चे थे वो सीढ़ियों से स्लाइड कर रहे थे, जैसा कि आप यहाँ पे इस इमेज में देख पा रहे हो, ठीक है। ये जो इमेज है यह क्या करता है, कुछ बच्चों को देखता है जो इस सीढ़ियों से स्लाइड कर रहे होते हैं। एक जो बच्चा होती है, एक जो गर्ल्स होती है, वो क्या करती है, बैठकर वो गुड़िया के साथ क्या करती है, गीत गाती है, सिंगिंग करती है, और एक जो बच्चा होता है यहाँ पर बैठकर रीड कर रहा होता है, और पीछे कुछ किटन्स मतलब एक बिल्ली है, एक डॉग है यहाँ पर मौजूद होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें बैठे बैठे वो क्या कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। इसके बाद से क्या होता है देखते हैं। सो ऑब्जर्व डिड नॉट बिकम इन द एक्साइटिंग रेस, ही वेंचर्ड फादर एंड फादर आउट ऑफ हिज कॉर्नर, एंड वेन वन वेरी लाइवली बॉय कम डाउन सो स्विफ्टली दैट ही कूड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ बट फेल ऑफ द बेनिस्टर विद अ क्रैश, तभी वो
उस बच्चे को देख ही रहा होता है जो सीढ़ियों पे खेल रहा होता है, जो फिसल कर स्लाइड होके, तभी वो जो बच्चा होता है काफ़ी तेज़ से आता है, तेज़ी से नीचे की तरफ आता है और वो धड़ाम से गिर जाता है। नॉट फॉरगेट हिमसेल्फ एंड रन अप टू द फॉलन राइडर एक्सपेक्टिंग टू फाइंड हिम हाफ डेड। अब वो उस बच्चे को बचाने के लिए जो नट होता है दौड़कर उस बच्चे के पास जाता है, ठीक है, और वो जो बच्चा होता है काफ़ी मीन्स कि वो गिरकर वहाँ पे चिल्ला रहा होता है। द बॉय हाउ एवर ओनली विंग्ड रैपिडली फॉर अ सेकेंड देन ले कामली लुकिंग अप एट द न्यू फेस विद अ सरप्राइज हुलो। मीन्स कि जैसे ही वो जो बच्चा गिरा होता है अपने आंखें खोलता है और देखता है नट को, नट क्या था, अभी नया बच्चा था उनके स्कूल में, ठीक है, न्यू चिल्ड्रेन था, वो कहता है अरे नया, मतलब कि नया फेस देखा, तो वो चौंक जाता है थोड़ा सा, कहता है हुल्लो रिटर्न नॉट नोइंग व्हाट एल्स टू से एंड थिंकिंग दैट फॉर्म ऑफ रिप्ले बोथ ब्रीफ एंड ईजी। अब वो क्या कर रहे थे, दोनों कुछ नहीं जान रहे थे अपने आपस में, मीन्स कि एक दूसरे को वो लोग नहीं जान रहे थे और वो सोच रहे थे, ठीक है, जवाब देने के लिए, मीन्स कि दोनों आपस में बात करने के लिए। तो वो पूछता है आर यू अ न्यू बॉय, आस्क द यूथ विदाउट स्टीरिंग। अब पूछता है नया लड़का, मीन्स कि वो जो पहले से उस स्कूल में रहता है, वो पूछता है क्या तुम नए लड़के हो, नए बच्चे हो। डोंट नो इट, मैं मुझे नहीं पता है फिर भी, व्हाट्स योर नेम। तो वो कहता है नट ब्लैक, मेरा नाम नट ब्लैक है। माइंस टॉम्स बैंक्स, मेरा नाम टॉमी बैंक्स है। कम अप एंड हैव अ गो विल यू, एंड टॉमी गो अपॉन हिज लेग्स लाइक वन सडनली रिमेंबरिंग द ड्यूटीज ऑफ हॉस्पिटैलिटी। अब क्या होता है, वो कहता है क्या तुम मेरे साथ चलोगे, तो वो हाथ पकड़ता है और इसके बाद से जो नट होता है उस बच्चे के साथ ऊपर जाना शुरू करता है, मतलब सीढ़ियों से। येस आई वॉन्ट टिल आई सी वेदर आई एम गोइंग टू स्टे और नॉट रिटर्न नट। इसके बाद से रिटर्न कर रहा है कि देखो दोस्त, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर रहूँगा या नहीं रहूँगा, ठीक है, मुझे परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। फीलिंग द डिज़ायर टू स्टे इनक्रीज एवरी मोमेंट, जो नट था लेकिन वो चाहता था, उसके दिल में कहीं ना कहीं था कि वो यहाँ पर रहे। आई से डेमी ही हैज़ अ न्यू वन, कम एंड सी टू हिम एंड लिवली टॉमी बैंक्स रिटर्न हैप्पीली टू हिज स्पॉट। इसके बाद से वो क्या कहता है, बच्चा जो होता है वो पहुँचा देता है किसके पास, लेडी के पास जहाँ पर उसको वो जाना था, मीन्स कि जिससे मिलना था, और उसके बाद से जो बच्चा होता है अपना दूसरा काम करने लगता है। एट हिज कॉल द बॉय रीडिंग ऑन द स्टेयर लुक्ड अप विद द पेयर ऑफ बिग ब्राउन आइज एंड आफ्टर एन इंस्टेंट पाउज एज इफ द लिटिल साई ही पुट द बुक अंडर हिज आर्म्स एंड कम सॉफ्टली डाउन टू ग्रीट द न्यू कमर। इसके बाद से दूसरा कोई बच्चा होता है, वो क्या करता है उस नट से मिलता है और वो उसको क्या करना चाहता है, वो एक्चुअली में उससे कुछ कहना चाहता है, मीन्स कि मिलना चाहता है, ग्रीट करना चाहता है। हु फाउंड समथिंग वेरी अट्रैक्टिव इन द प्लेजेंट फेस ऑफ दिस स्लेंडर मीट आइड बॉय। अब क्या होता है, वो काफ़ी अच्छा लगता है जो स्कूल के पहले से बॉय थे, जैसे ही नट को देखते हैं तो उन लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है, कि सोचते हैं सब कि ये काफ़ी अच्छा लड़का है, क्योंकि उसका जो फेस होता है उसी तरह का होता है। हैव यू सीन आंट जो, ही आस्क एज इफ दैट वॉज सम सॉर्ट ऑफ इम्पॉर्टेंस और मनी। तभी एक बच्चा कहता है क्या तुमने आंट जो को देखा है, तो कोई जवाब देता है कि नहीं, वो किसी सेरेमनी में गई हैं। आई हैवन्ट सीन एनी बॉडी एट बट यू बॉयज आई एम वेटिंग आंसर नॉट। नट कहता है लेकिन मैंने किसी को नहीं देखा, लेकिन मैं अभी तक क्या कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ। डिड अंकल ल्यूरी सेंट यू, प्रोसीडेड डैमी पोलाइटली बट ग्रेवली। डैमी क्या होता है, वो पूछता है क्या जो अंकल ल्यूरी हैं क्या उन्होंने तुमको भेजा है, तो कहता है मिस्टर ल्यूरेंस डिड, मिस्टर ल्यूरेंस ने हमें भेजा है। ही इज़ माई अंकल एंड ही ऑलवेज सेंड्स नाइस बॉयज। इसके बाद तो डेमी कहता है कि मेरे अंकल जो हैं बहुत ही अच्छे हैं, वो हमेशा अच्छे बच्चों को यहाँ पर भेजते हैं इस स्कूल में। नट स्माइल्ड इन अ वे दैट मेड हिज थिन फेस वेरी प्लीजेंट। जैसे ही बात सुनता है जो नट है उसको काफ़ी अच्छा लगता है और वो थोड़ा सा मुस्कुराने लगता है। ही डिड नॉट नो व्हाट टू से नेक्स्ट, अब उसको नहीं पता था कि वो क्या कहे अब आगे। So the two stood staring at one another in the friendly silence till the little girls came up with her dolls in her arms. इसके बाद से वो दोनों नहीं समझ पा रहे थे कि एक दूसरे को वो किस तरह से बोलें और किस तरह से बातें करें। तभी वहाँ पे एक दूसरी लड़की पहुँच जाती है अपने डॉल को साथ में लिए हुए। She was very like डेमी, वो डेमी को बहुत ही पसंद करती थी। ओनली नॉट टू, मतलब कि वो सिर्फ टॉल था इसलिए नहीं, एंड हैड अ राउंडर रोजर फेस एंड ब्लू आइज, ठीक है, क्योंकि उसके पास जो डेमी था उसके पास ब्लू कलर का आइज था और वो काफ़ी अच्छा था। दिस इज़ माई सिस्टर डेजी, अनाउंस डेमी। डेमी कहता है मिलो, ये ठीक है, जो डेजी है मेरी सिस्टर है,
एज इफ प्रेजेंटिंग अ रेयर एंड प्रीशियस क्रिएचर्स। और यहाँ क्या है, ये जो गुड़िया लिए क्या है, काफ़ी क्या कह रही है, प्रीशियस क्रिएचर है, मतलब कि उस गुड़िया को लेकर ये बातें कर रहा है अभी, जो डैमी है अपने डेजी सिस्टर से मिलवा रहा है, किसे, नट से। द चिल्ड्रेन नोव टू वन अनदर एंड द लिटिल गर्ल्स फेस डिम्पल्ड विथ प्लीजर। अब क्या होता है, जो डैमी होता है अपने डेजी सिस्टर से नट से मिलाता है, और इसके बाद से जो सब मिलकर काफ़ी खुश होते हैं, जो गर्ल्स होती है वो भी काफ़ी खुश होती है। एज सी सेड अफेबली, और एक बात कहती है, आई होप यू विल स्टे, वो कहती है कि मैं आशा करती हूँ कि तुम हमारे साथ रहोगे। वी हैव अ सच अ गुड टाइम्स हियर डोंट वी डेमी, तो वो कहती है कि हम लोग बहुत ही अच्छे टाइम बिताते हैं, क्या डेमी हम लोग टाइम अच्छे नहीं बिताते हैं, ऑफ कोर्स वी डू। तो इसके बाद डेमी कहता है, हाँ बिल्कुल हम लोग बहुत अच्छे टाइम बिताते हैं यहाँ पर, हमें बहुत ही अच्छा लगता है हमें। दैट्स व्हाट आंटी जो हैज़ प्लम फील्ड फॉर, इसलिए जो जो आंटी हैं वो क्या है, प्लम फील्ड की ऑनर है, और प्लम फील्ड में ही हम लोगों के लिए क्या की हैं, ये सारे फैसिलिटी प्रोवाइड की हैं। इट सीम वेरी नाइस प्लेस इंडीड, ऑब्जर्व नॉट, जो नॉट था वो अभी तक जो बैठा हुआ था वो सोचता है कि ये बहुत ही अच्छा प्लेस है मेरे लिए, अगर मैं यहाँ पर रह जाता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। फीलिंग दैट ही मस्ट रिस्पॉन्स टू दिस अमियेबल यंग पर्सन, और वो अपने मन ही मन सोच रहा था और वो उनके बातों का जवाब देने का सोच रहा था। इट इज़ द नाइसेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इज़न्ट इट डेमी, फिर से डेजी कहती है, क्या ये दुनिया का सबसे अच्छा जगह नहीं है। से डेजी हु इविडेंटली रिगार्डेड हर ब्रदर एज अथॉरिटी ऑन ऑल सब्जेक्ट, वो हमेशा अपने जो भी बातें करती थी वो अपने भाई को लेकर करती थी बातें, ठीक है। नो आई थिंक ग्रीनलैंड वेयर द आइस बर्ग्स एंड सील्स आर इज मोर इंटरेस्टिंग, बट आई एम फॉन्ड ऑफ प्लम फील्ड एंड इट इज़ वेरी नाइस प्लेस टू बी इन, रिटर्न डेमी। डेमी कहता है कि नहीं, ये सबसे अच्छा जगह नहीं है, मेरे ख्याल से जो ग्रीनलैंड है वो सबसे अच्छा जगह है, लेकिन मुझे यहाँ पर रहना बहुत ही पसंद है, जो प्लम फील्ड है ये बहुत ही नाइस प्लेस है, बहुत ही अच्छा प्लेस है रहने के लिए। हु वॉज इंटरेस्टेड जस्ट नाउ इन अ बुक ऑन ए ग्रीनलैंड, यानी वही इंटरेस्टेड होते हैं जो एक्चुअली में बुक वगैरह पढ़ते हैं ग्रीनलैंड में। ही वॉज अबाउट ऑफ्टन टू शो नॉट द पिक्चर एंड एक्सप्लेन देम, वो क्या करता था, जो डैमी होता था वो दिखाता था कुछ पिक्चर्स को और उसको एक्सप्लेन करता था नट को। इसके बाद से व्हेन द मेड रिटर्न, जैसे ही वो जो मेड होती है वो रिटर्न हो जाती है, मीन्स कि वो वापस आ जाती हैं, सेइंग विद द नोट टुवर्ड्स द फ्लावर पार्लर डोर, ऑल राइट यू आर टू स्टॉप, इसके बाद से वो कहती है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर रहना है, ठीक है। आई एम ग्लैड नाउ कम टू आंट जो एंड डेजी टुक हिम बाय द हैंड विद द प्रोटेक्टिंग ईयर विच मेड नॉट फील एट होम एट वंस, इसके बाद जैसे उसको परमिशन मिल जाती है वो स्कूल में रहने के लिए, तो जो नट है वो काफ़ी खुश हो जाता है, और जो बच्चे होते हैं उसके साथ, उसके जो नए फ्रेंड होते हैं, वो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और वो जाने लगते हैं। तभी क्या होता है, जो नट होता है ऐसा महसूस करता है कि उसका ये घर है। डेमी रिटर्न टू हिज बिलव्ड बुक व्हाइल हिज सिस्टर लेड टू द न्यूज़ कमर इन टू द बैक रूम, इसके बाद से जो डेमी होता है वो अपने बुक के पास चला जाता है, क्योंकि उसको बुक पढ़ना काफ़ी पसंद था, और जो उसकी सिस्टर थी न्यू कमर इन द बैक रूम, जो बैक रूम में एक रूम था एक्चुअली में, वहाँ पर वो चली जाती है, जो न्यू लोग आते थे उनको बैक रूम में रखा जाता था। वेयर ए स्टाउट जेंटलमैन वॉज फॉर्कलिंग विद टू लिटिल बॉयज ऑन द सोफा एंड अ थिन लेडी वॉज जस्ट फिनिशिंग द लेटर विच सी सीम टू हैव बीन री रीडिंग, वहाँ पर कुछ लोग थे जो बैठे हुए थे सोफा पर, और कुछ लोग थे जो लेटर वगैरह पढ़ रहे थे। हियर इज आंटी, क्राइड डेजी, डेजी कहता है देखो ये रही आंटी, सो दिस इज़ माई न्यू बॉय, आई एम ग्लैड टू सी यू माई डियर एंड आई होप यू विल बी हैप्पी हियर, इसके बाद वो कहती हैं अच्छा ये नए स्टूडेंट हैं, ये नए लड़का है, मैं काफ़ी खुश हुई उसको देखकर, आई होप तुम बहुत ही खुश रहोगे यहाँ पर रहकर, सेड द लेडी, लेडी कहती हैं। इसके बाद से क्या होता है, ड्रॉइंग टू हर एंड स्ट्रॉकिंग बैक द हेयर फ्रॉम हिज फोरहेड विद द काइंड हैंड एंड द मोथरली लुक विच मे नर्स लोनली लिटिल हार्ट यर्न टूवर्ड्स हर, इसके बाद से क्या होता है, जो लेडी होती हैं उस नट के जो बाल होते हैं सर के, उसको सहलाते हुए वो कहती हैं कि तुम बहुत ही खुश रहोगे यहाँ पर रहोगे, ठीक है मैं आशा करती हूँ। तभी क्या होता है, जैसे ही ये करती हैं लेडी, वो जो नट होता है उसको काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी घर जैसा महसूस होता है, या ऐसा लगता है कि उसकी जो मम्मी हैं उसके सर पर अपना हाथ फेर रही हैं, ठीक है। तो ये था पूरी स्टोरी, आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।